नमस्ते, आप लोग का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी करेला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये पूरी पराठे किसी के भी साथ आसानी से खा सकते हैं। ये सफ़र में बहुत अच्छा रहता है, हफ्ते भर का भी बना कर रख लीजिए तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चले बनाते हैं अचारी करेला। आज बना रही हूँ मैं करेले की, इसको सब्जी बोल सकते हैं। हाँ, ये 250 ग्राम करेला है। इसको धो करके अच्छे से सुखा के पोंछ लिए हैं। फिर इसको कट करेंगे, कट करके छोटा छोटा पीस करके उसका बीज सारा निकाल देंगे। और फिर उसमें एक पचफोरन पड़ेगा, मेथी है, कलौंजी है, सौंफ है, राई है, हींग है, अजवाइन है, लाल मिर्च है और थोड़ी सी हींग है। और उसमें थोड़ा हल्दी और लाल मिर्च भी मिलाएंगे। उसको पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के इसमें लपेट लेंगे। लपेट करके उसमें अमचूर थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके उसको कढ़ाही में थोड़ा तेल डालेंगे। तेल डाल करके इसको धीमी आंच पर हल्का सा मतलब डाल करके इसको फ्राई करते रहेंगे। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सारा करेले काट लिए हैं और आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। इसे छोटा छोटा पीस कर लीजिए। इसे हाँ ऐसे हो जाएगा। फिर उसको सारे मसाले मिलाएंगे। खड़े मसाले लिए हैं, जो पचफोरन होता है, ये मिक्स का जार है। इसमें मैं सब डाल दे रही हूँ। अजवाइन है, हींग है, राई है, सौंफ है, मंगरेल है और मेथी दाना है। इस सबको एक साथ मिक्स करके पीस लेंगे। करेले में भी डाल सकते हैं इसको। इकट्ठे आप बना करके जार में रख सकते हैं। जब आपका मन करे तब या तो अचार बना सकते हैं, करेला बना सकते हैं, भरवा भिंडी भी बना सकते हैं। सब में काम देगा। मसाला है, इतना ही पीसना है। न ज्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इसे थोड़ा हल्का सा दरदरा रहे। हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। और ये जो मसाला बनाए हुए हैं इसको 2 चम्मच डाल देंगे। धनिया पाउडर थोड़ा, और अमचूर डालेंगे। नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है कि करेले में सारे मसाले इसे लग जाए। इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। नींबू निचोड़ेंगे आधा। इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके और इस तरह से सारा मिला लीजिए कि पूरा मसाला सारे करेले में लपेट जाए, लग जाए। इस तरह से हाथ से एक करके इसे मसल के लगा लें। इस तरह से सारे करेले में लग जाना चाहिए। इस तरह से गैस ऑन करके तेल कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। तेल गर्म हो जाएगा, फिर उसमें करेला फ्राई करेंगे। यहाँ पे 3 चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल यहाँ गर्म हो गया है, इसमें हल्का थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हींग डालेंगे। इसमें जीरा को थोड़ा चटकने देंगे। उसके बाद हींग डालेंगे। हींग डाल करके हल्का सा उसको यहीं पर पूरा करेला डालेंगे। करेला डालकर इसे हल्का चलाते हुए धीरे 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 से चला करके उसके बाद उसे चला लेंगे। सारा करेला तेल में वो हो जाए। उसके बाद धीमी आंच करके इसको ढक करके धीमी आंच पर पकाएंगे। करेला वो हो गया है, इसको ढक लेंगे। ढकने के बाद 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पर ऐसे पकाएंगे। फिर उसके बाद चला करके देखेंगे उठा करके कि ढक्कन से करेला पका है कि नहीं। फिर उसको धीमी आंच पर ऐसे पकाते रहेंगे। 5 मिनट हो गया है, ढक्कन हटा कर देखेंगे। इसे धीरे धीरे पक रहा है इसे। और
थोड़ा सा मोटा जो करेला देखेंगे कि पका नहीं है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और धीमी आंच पर फिर से इसे जब तक कि पक ना जाए गल ना जाए करेला तब तक इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। पकने के बाद फिर कैसा होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसे पानी डाल देंगे इसे और फिर इसको ढक करके पकाएंगे जब तक कि करेला अच्छी तरह से गल ना जाए। ढक्कन उठाते हैं, देखिए करेला मेरा सब हो गया है और इसको सर्व करने के लिए रेडी है। ये करेला बहुत आसानी से कट रहा है, इसका मतलब करेला अच्छी तरह से पक गया है। देखिए चलते हैं सर्व करने के लिए, तब आपको दिखाते हैं। देखिए बनकर अचारी करेला तैयार हो गया है, सर्व कर दिए हैं। इसको पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगा। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए।